वेलकम टू सोनगढ़ रत्नाश्रम। जय हिंद सर। जय महात्मा गांधी जिन्होंने गुजरात के अंदर से दांडी मार्च शुरू किया था, जिन्होंने गुजरात के अंदर से इस भारत माता को अंग्रेजों की गद्दियों से छुड़ाने के लिए, इस भारत को आजाद कराने के लिए क्रांति का आंदोलन शुरू किया था, ये वो गुजरात की गलती है। और ये वो गुजरात की गलती जो साधु संतों महात्मों की तपस्वियों की धरती, यह धरती के अंदर चरण निकलेंगे, चरण निकलते रहेंगे और यह धरती पवित्र होती रहेगी। उस धरती से आप बचे हो जहां आपको भाग्य मिला है। आप इस किस्मत हो क्या, आपने इस धरती पर जन्म लिया है, इस संस्कारों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भारत माता की मैं तस्वीर देख रहा था, उनका रूप देख रहा था, आजादी से पहले की जो स्थापना, 100 साल पहले का हमारा मंदिर, और यहां महात्मा गांधी खुद आए, ये वो पवित्र स्थान है। स्कूल बहुत बनते हैं और स्कूलों के अंदर वही असली स्कूल होते हैं, वही असली यूनिवर्सिटियां, वही असली कॉलेज होते हैं। यहां संस्कारों को राष्ट्र के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपनी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले इतिहासों के उन खून से खड़ी हुई धरती को, उनके निकले हुए खून से, निकले हुए सबों से रात उनके इतिहास को बताया जाता है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारे बच्चे भी उन रास्ते पर चलते हुए कोशिश करके इस मातृभूमि की सेवा कर सके। आपने नाम सुना होगा, करना चाहता था जो हरियाणा की थी, एक गरीब परिवार के थी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा किया, नाता में रही, सैनिक रही। आपने नाम सुना अब्दुल कलाम जी का, जो आपकी तरह का गरीब परिवार से थे, वो बड़े परिवारों में जन्म नहीं लिया था, वो अब्दुल कलाम बच्चों के लिए थे, वो अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, वो अब्दुल कलाम एक सेकुलर थे, वो अब्दुल कलाम एक राष्ट्रभक्त थे। ये राष्ट्रपति बने, सांसद बने, इस दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, और जब उनका टाइम खत्म हुआ तो अपना अकेला बैग उठा के चले गए। वो भी राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए कितना बच्चों के लिए, चाहे वो आपके हमारे पास नहीं, पर आप जरूर उनको सोचते होंगे, उनके आदर्शों पे, उनकी सोच पे चलने की कोशिश करते होंगे। ये वो स्कूल का इतिहास, जहां राष्ट्र गुलाम था, जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ने किनारा दिया। नारा देने से पहले सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी में हिटलर को मिलने जाते, कैसे गए होंगे, कैसे हालात होंगे, आज की तरह फ्लाइट तो नहीं चलती थी, मिलने से मना कर दे,
जिसे इतना बड़ा हिंदुस्तान एक छोटा सा देश आके यहां कब्जा कर लेता है और हमारे हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तान के लोगों के बारे में हिटलर गलत विचार रखता है, उनको सवाल पूछ सकते हैं। आप हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ ऐसे गंदे लफ्जों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इतना बड़ा हिंदुस्तान जहां छोटा सा देश आके इतने बड़े देश पे कब्जा कर देता, जहां कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दुनिया की नजर हमारे भारत में रहती थी, और कहते कोई कहता मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। तो बात चंद्र बोस जी हिंदुस्तान में आकर के एक फौज का गठन करते हैं, जिस फौज का नाम होता है आजाद हिंद फौज, और हिंदुस्तान की जनता को कहते हैं आप हमें खून दो, हम आपको आजादी लेके देंगे, और एक आजादी के आंदोलन की शुरुआत की जाती है। आप उसको स्कूल से हमारे संतों ने, हमारे महाराज ने जो भी उनसे हो सकता था सारा पैसा उस आजाद हिंद फौज को दिया। हमें आजादी चाहिए, हमें भारत अंग्रेजों की जंजीरों से जो जकड़ा हुआ है इसको आजाद कराना है। वो इस स्कूल ने स्थापना की, वो इस स्कूल ने काम किया, वो स्कूल के अंदर आप शिक्षा ले रहे हैं। इतना बड़ा इतिहास, कौन से शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के रस्ते को चूमना पड़ा। जब आप कितना बच्चे थे तो अपने चाचा जी के साथ खेतों में जाते, जमीन को खोद करके एक गोली मिलती, उनको खोद करके गोली फूटे। उनके चाचा उनको पूछते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी को, तुम क्या कर रहे थे? इतनी गोली लगाऊंगा, जब ये गोली बड़ी होगी तो मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा इस देश से। वो शहीद आजम भगत सिंह जी शोर के बचपन से इस मातृभूमि को आजाद कराने की थी। जलियांवाला बाग का नाम सुना आपने? जलियांवाला बाग जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाइयों ने 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जो कहते थे मातृभूमि को छोड़ के चले जाओ, इसको आजादी चाहते थे। तो मातृभूमि जो अंग्रेजों की जमीनों से जकड़ी हुई थी, अंग्रेजों ने कहा यहां से चले जाओगे तो गोलियां चलाएंगे, तोपे चलाएंगे। हर व्यक्ति ने सीने को चौड़ा करके गोलियां भी खाई, बम भी खाए, रॉकेट लंचर भी खाए, हम शहादत का जाम पीएंगे पर इस देश को आजाद करा के रहेंगे। वहां हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, हिंदू का हजारों शहादत हुई 13 अप्रैल के दिन, और उसके बाद कहेंगे आज भगत सिंह आपकी तरह स्टूडेंट बच्चे वो जले हमारा बाग खून से लथपथ धरती पे जाते, एक छोटी सी बीजी के अंदर खून इकट्ठा करते हैं हर एक, और खून इकट्ठा करके जब घर आते हैं तो अपनी मां के सामने तिलक लगाते हैं। मां को कहते मां जब बड़ा हूंगा इस मातृभूमि को मैं आजाद कराऊंगा, मैं अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाऊंगा। जब बड़े होते हैं वो स्टूडेंट लीडर को पार्लियामेंट में जाते हैं, राजगुरु सुखदेव के साथ पार्लियामेंट में बम इसलिए फेंकते किसी को मारने के लिए नहीं, अंग्रेजों को कहा कि देश छोड़ के चले जाओ, आप जैसे युवाओं को जगाने के लिए कि सड़कों पर लेकर आओ, इस मातृभूमि को अंग्रेजों से छुड़ाना है। और भागते नहीं है, इंदिराज जिंदाबाद करते हुए उनको 54 नंबर कोठी लाहौर जेल में बंद कर दिया जाता है। जब उनके स्टूडेंट दोस्त उनको मिले आते शहीद आजम भगत सिंह जी को, उनसे सवाल पूछते भगत सिंह आपकी शादी कब होगी? तो भगत सिंह हंसते हंसते कहते हैं अगर इस गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, जो शहीद हो चुके मेरे दोस्त स्टूडेंट दोस्त वो मेरे बराबर होते वो उनके साथी थे। जो भगत सिंह जी के अगर थे उनका नाम था करतार सिंह सराभा, उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल। बंदे मातर भारत माता की जय बोलते हुए मेरा रंग से बसंती चोड़ा जब फांसी के रथ को टूमेंगे क्या जज साहब उस वक्त भी मेरी हंसी बंद कर दोगे? वो भगत सिंह जवाब देते शहीद आजम भगत सिंह जी 14 नंबर कोठरी के अंदर
उनकी सेवा करने वाले होते, सफाई करने वाले होते, उनको रोज कहते वो बेबे माँ। वो कहते तू मुझे बेबे माँ क्यों कहते? कहते एक वो माँ जिसने मुझे पेट से जन्म दिया, एक तू माँ जो मुझे जेल में संभालता, इसलिए तुम्हें मैं माँ का रूप देता हूं। भगत सिंह उनको कहते मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूं, वो खाना खिलाने से मना कर देते। कहते तू ऊंची जात का है, मैं छोटी जात का हूं, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता हूं। बहुत कहते वो नहीं मानते। जब भगत सिंह जी का आखिरी दिन होता है फांसी के रस्ते को डूबने का, दो दिन पहले कहते उनका नाम होता सरदार भोजा सिंह, कहता भोजा सिंह मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। वो कहता मैं पूरी करूंगा। कहता मेरी ख्वाहिश वही है जो पहले कहा था, आपके हाथ का खाना खाना चाहता। वो रो पड़ता भोजा सिंह। वो कहता कैसी माँ होगी जिसने तुमको जन्म दिया। वो अपने हाथों फांसी के रस्ते को डूबने के लिए वंदे मातरम भारत माता की जय, मेरा रंग से बसंती चोला फांसी के रस्ते को डूबने। वो था पूरा वीर भगत सिंह, वो था प्रताप सिंह सराबा, वो थे चंद्र के हरदार, वो थे राजगुरु सुखदेव। आपके इतिहास के अपने पूरे पन्नों को आपको खोलना होगा, क्योंकि आपके पत्रों में नत नत के अंदर वंदे मातरम भारत माता की जय भगती, ये गुजरात की धरती के अंदर इतिहास संस्कृति जिंदा है। संतों में महात्माओं में आपके आपके माता के आजादी के बाद इस गुजरात की धरती ने फिर हमें दो लीडर दिए, जिन्होंने सरदार पटेल जी के सपनों को पूरा, राम जन्मभूमि का नया इतिहास रच दिया और राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया। बोलो जय किया राम। ये दिया गुजरात की धरती है, ये दिया इतिहास बना। जो यूक्रेन की लड़ाई का पता है बच्चों आपको, आपने देखा यूक्रेन के अंदर हमारे बच्चे पढ़ने गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, कई जगह से बच्चे पढ़ने गए, ऊपर से गोलियां, ऊपर से बम, बच्चों को बचना मुश्किल। तिरंगे झंडे का इस गुजरात की धरती के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो नरेंद्र मोदी योगी ने दुनिया में इतना बड़ा नाम बनाया। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश जो गोलियां चलाता है, उनके बच्चों ने भी जब तिरंगा झंडा लहराया उनकी जिंदगी अभी बच गई, ये गुजरात की धरती है। आपने मुझे सुना, फिर दोबारा आऊंगा आपके पास, क्योंकि आपके आपके लिए मुझे कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। जो आपके अंदर सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, आपको देश के लिए और आगे करना चाहते हैं देश को, तो मैं फिर कभी मौका मिला आऊंगा। जय जिनेन्द्र, हर हर महादेव, वंदे मातरम।